पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव से शुरू हुई राजनीतिक लड़ाई अब सिस्टम की लड़ाई बनती जा रही है। यहाँ एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुई मारपीट की घटना से मेडिकल एसोसिएशन में गुस्सा है, डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। तो वही राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डॉक्टर पर ही हमलावर है। बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल का असर अब देश के अन्य हिस्सों में भी दिखना शुरू हो गया है। दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में डॉक्टर्स ने काम करने से इनकार कर दिया है। डीएमए की ओर से आज दोपहर दिल्ली के राजघाट के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। कई शहरों में डॉक्टर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन डीएमए ने हड़ताल बुलाई है, जिसका असर एम्स जैसे बड़े अस्पतालों में देखने को मिलेगा। इसके अलावा मुंबई में भी डॉक्टर्स ने काम करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। मुंबई के डॉक्टर्स का कहना है कि वह साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। ना सिर्फ दिल्ली और मुंबई बल्कि पंजाब, केरल, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में भी डॉक्टर्स ने काम करने से इनकार कर दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर किन शहरों और राज्यों और अस्पतालों में असर दिखने वाला है। एम्स दिल्ली, एम्स पटना, एम्स रायपुर, मध्य प्रदेश, बिहार, केरला, राजस्थान, पंजाब। बंगाल की घटना के बाद गुरुवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर्स ने पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और 14 जून को हड़ताल पर जाने की बात कही। ऐसे में दिल्ली में भी आज आपको डॉक्टर मरीजों का इलाज करते नहीं बल्कि प्रदर्शन करते हुए दिख सकते हैं। मामला इतना बढ़ गया है कि अदालत तक पहुंच गया है। हड़ताल को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है।